नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में क्या कुछ खास हुआ इसकी जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। 1 सितंबर से देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई। इस आयोजन का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार। प्रधानमंत्री की संपूर्ण आहार की महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान में विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी है, जिसके तहत 2022 तक कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाना है। मध्य प्रदेश में भी सभी जिलों में यह अभियान संचालित हो रहा है। 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले पोषण माह का उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों और किशोर बालिकाओं के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार लाना है। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बताया कि पूरे जिले में मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे हम लोग एक डेडिकेटेड डे को जैसे एक दिन तय किया है, उस दिन हर जगह पे इस पे चर्चा होगी, पोषण पे चर्चा होगी। उसी तरह की एक गतिविधि हम लोग जनपद लेवल पे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे करेंगे। एक दिन तय किया गया है जिस दिन पूरे गांव में, मध्य प्रदेश में करीब 50,000 के आसपास विलेजेस होंगे, गाँव होंगे, तो उन गाँव में बिल्कुल न्यूट्रिशन सेंट्रिक ग्राम सभाओं का आयोजन होगा जहाँ सिर्फ इसकी बात होगी। इसके अतिरिक्त भी हर दिन के लिए डेट वाइज कैलेंडर तय किया हुआ है। पोषण माह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ ग्वालियर व्यापार मेले के फैसिलिटेशन सेंटर में हुआ। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पोषण माह का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने की। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। उनका विकास ही राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 34 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक आंगनबाड़ी केंद्र को जन शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सिंधिया परिवार की निजी निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुपोषण निवारण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव महिला एवं बाल विकास अजय तिर्की ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच कुपोषण के निवारण के प्रति जन जागरूकता लाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से मध्य प्रदेश देश में अव्वल प्रदेश बनेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए मध्य प्रदेश में 27,000 स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। इनके माध्यम से विभाग द्वारा तैयार किए गए ऐप में निरीक्षण के फोटो लोड कर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस मौके पर रंग कुटीर संस्था द्वारा कुपोषण निवारण के लिए नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया। विभाग द्वारा कुपोषण निवारण की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर आधारित तैयार की गई प्रदर्शनी का भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। कार्यक्रम के अंत में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने सभी को कुपोषण निवारण के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। शाजापुर जिला मुख्यालय पर शनिवार को महिला बाल विकास द्वारा पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण जागरूकता को लेकर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शाजापुर जिले में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में मीडिया की अहम भूमिका है। ये बात आज राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जिला मुख्यालय पर संपन्न हुई मीडिया प्रतिनिधियों की वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने कही। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव के डॉक्टर ऋषि एवं महेंद्र न्यूट्रिशियन इंटरनेशनल के श्री ब्रजमोहन दुबे तथा टाटा ट्रस्ट के स्वच्छ भारत प्रेरक श्री आयुष सिंह उपस्थित थे। जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी श्री सुभाष जैन ने कार्यशाला के उद्देश्य के संबंध में बताते हुए कहा कि कुपोषण के कारण विभिन्न बीमारियां एवं व्याधियां उत्पन्न होती हैं। कुपोषण कम कर माताएं एवं बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। मीडिया के प्रतिनिधियों की कुपोषण दूर करने में अहम भूमिका है। मीडिया व्यापक स्तर पर कुपोषण से होने वाले नुकसानों का प्रचार प्रसार कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य हर घर पोषण त्यौहार और हर घर पोषण व्यवहार है। महिला एवं बाल विकास पोषण के क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं आपूर्ति, शहरी विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण, स्कूल तथा जनसंपर्क विभाग के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं एवं जिला योजना का भी सहयोग प्राप्त कर रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। शहडोल जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर हिंसा पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इसके माध्यम से बीते 8 महीनों में 33 महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाया गया। इस सेंटर के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। ऐसी महिलाएं एवं लड़कियां जो हिंसा से पीड़ित होकर सुरक्षित जगह की तलाश करती हैं, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर सुरक्षित आश्रय स्थल है। यहां पीड़ित महिलाएं या लड़कियां स्वयं पहुंचती हैं या फिर हेल्पलाइन या चाइल्डलाइन की मदद से लाई जाती हैं। इन्हें भोजन, काउंसलिंग एवं इलाज की सुविधा दी जाती है। वन स्टॉप सेंटर को सखी नाम दिया गया है। जनवरी से अब तक 33 महिलाओं और बच्चों को सहारा देकर न्याय दिलाया गया है। वन स्टॉप सेंटर यानी एक ही छत के नीचे पीड़ित या हिंसाग्रस्त महिला को आश्रय, पुलिस सहायता, आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श व चिकित्सा सहायता, ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं। महिला हेल्पलाइन 1090 नंबर 24 घंटे खुले रहता है। कोई भी पीड़ित महिला या बच्चा सेंटर में कॉल कर मदद मांग सकता है। सेंटर में मदद के लिए एक पुरुष इंस्पेक्टर, एक महिला आरक्षक मौजूद रहती है। 10 काउंसलर की भी नियुक्ति की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। 14 सितम्बर को हिंदी दिवस है। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, समुदाय, बोलचाल और वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी दिवस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। किसी देश की उन्नति का पैमाना उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि उसका सांस्कृतिक वैभव होता है, और संस्कृति कितनी समृद्ध है इसका आधार मातृभाषा की उन्नति में है। देश की विविधता भरी संस्कृति को जोड़ने वाली हमारी हिंदी भाषा में ही वह सामर्थ्य है कि वह पूरे देश को जोड़े रखने में सक्षम है। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दैनिक व्यवहार में ही नहीं बल्कि अध्ययन, अध्यापन और कार्यालयों में भी अधिक से अधिक हिंदी भाषा का उपयोग किया जाए तो हिंदी की स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ेगी। विभिन्न भाषा भाषी लोग कार्य व्यवहार में हिंदी भाषा का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सितंबर महीने में देश भर में हिंदी पखवाड़ा या कहीं कहीं हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। हिंदी भाषा की उपयोगिता बढ़ाने के लिए किए जा रहे इस तरह के आयोजन में हिंदी और गैर हिंदी भाषी कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को हिंदी में व्यक्त करते हैं। गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से पुरस्कारों की व्यवस्था की जाती है। इसी श्रृंखला में आकाशवाणी भोपाल में भी इन दिनों हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। यह पखवाड़ा 13 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान तत्काल भाषण, वाद विवाद, हिंदी टंकण स्पर्धा, निबंध, कविता और कहानी लेखन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से परितोष दीक्षित की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, बेतवा सहित अनेक छोटी बड़ी नदियां और बरसाती नाले उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट। भोपाल में कल दोपहर बाद से रात भर हुई भारी बारिश के चलते कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। यहां भदभदा डैम के गेट पहले ही खोले गए हैं। पानी की निकासी के लिए लगभग 16 साल बाद कोलार डैम के गेट भी खोले जाने की संभावना है। बारिश के चलते भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, सागर सहित कई जिलों में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जबलपुर स्थित बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने से 21 गेट खोले गए हैं, जिससे कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में लोगों को जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी गई है। रायसेन जिले के बोरास घाट और बाना नदी के पुल पर करीब 20 फीट पानी से उदयपुरा और गाडरवाड़ा के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। इसके चलते भोपाल से जबलपुर मार्ग का आवागमन भी ठप हो गया है। सागर जिले में बारिश के चलते यहां से भोपाल, बीना और बंडा का सड़क संपर्क टूट गया है। हमारे रायसेन संवाददाता ने बताया कि
बरगी बांध के सभी गेट खोले जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। रायसेन जिले के बोराज घाट पर स्थित नर्मदा नदी के पुल पर पानी आने से जिले के उदयपुरा से गाडरवाला का सड़क संपर्क टूट गया है। NH भोपाल जबलपुर रोड पर बारना नदी के पुल पर 20 फीट पानी है, जिससे भोपाल से जबलपुर जाने वाला मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। जिले के बरेली होली चौक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया है। जिला मुख्यालय का बरेली उदयपुरा से संपर्क भी टूट गया है। रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग 146 पर बेतवा नदी भी उफान पर है। भोपाल के भदभदा के गेट खुलने से बेतवा के पगनेश्वर पुल पर करीब 15 से 20 फीट पानी है। प्रशासन की टीम भी स्थिति पर नजर रखे हुए है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। छिंदवाड़ा जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने यहां आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। सिवनी के दलसागर तालाब के आसपास रह रहे रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खंडवा में ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और विदिशा के शमशाबाद सहित अन्य बांधों के गेट भी फिर से खोल दिए गए हैं। खंडवा से पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लगातार वर्षा के कारण नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण ओमकारेश्वर एवं इंदिरा सागर जलाशय में वर्षा के जल की आवक में वृद्धि हो रही है, जिससे इंदिरा सागर बांध के 12 गेट एवं ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार अधिक मात्रा में बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण इंदौर इच्छापुर हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस मार्ग को खरगोन से इंदौर के लिए परिवर्तित किया गया है। पुनासा SDM श्रीमती ममता खेड़े ने बताया कि ओमकारेश्वर एवं मोटक्का के निचले क्षेत्रों के आश्रम, मंदिरों, मकानों को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ओमकारेश्वर और खेड़ी घाट के नदी घाट पर आम लोगों के लिए बंद करा दिया गया है। प्रशासन, पुलिस और होमगार्ड का अमला सतत निगरानी कर रहा है। पुनासा और हरसू क्षेत्र में नर्मदा के निकटवर्ती सभी 24 ग्रामों में पटवारी और सचिव को लगातार निगरानी के लिए तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, बैतूल, खंडवा, बालाघाट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश में मौसम का हाल अगले 3 दिन तक लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से संवाददाता दीपक कांकर और खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ भोपाल से मैं दीपा सिंह। विदिशा जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल दोपहर से लगातार चल रही तेज बारिश से निचली बस्ती के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विदिशा जिला मुख्यालय की 2 दर्जन से अधिक बस्तियों में 3 से 4 फीट पानी भर जाने से करीब 1,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया गया है। जिला बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने का काम कर रही हैं। बीती रात अनेक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से टार्च की रोशनी में नाव के सहारे नागरिकों को राहत शिविरों के लिए लाया गया। लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। विदिशा शहर में बाढ़ जैसे हालात और निरंतर बारिश को देखते हुए प्रशासन ने आज स्कूलों का अवकाश घोषित करते हुए अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उधर रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और जिला चिकित्सालय में पानी भरने से नागरिकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिला भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में विदिशा में 178.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और दीपा सिंह। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।